अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन और आलू शोरबे वाले। मटन गोश्त 1.5 पाव मैंने ले लिया है। स्मॉल प्याज मैंने लिए। टमाटरों का पेस्ट, दो टमाटरों का पेस्ट है। लहसुन, ये मैंने अभी लहसुन भी डाल दिया है। मसालेदार मिर्चें बनी हुई है 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल भी साथ में डाल दूंगी। बस धीमी आंच पे रखूंगी, तकरीबन 25 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से पक जाएगा। हमारा मटन गोश्त अच्छी तरह से गल गया। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, तो मैं आलू ऐड कर देती हूँ। अभी इसकी मैं 10 मिनट बुनाई करूंगी। अभी मैं इसकी 10 मिनट बुनाई करने लगी हूँ। माशाल्लाह मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। 10 मिनट और पकाऊंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाए। मटन का गोश्त और आलू अच्छे से तैयार हो गए। ज़ीरा हमने डाला, हरी मिर्चें। माशाल्लाह देखिए हमारा मटन गोश्त और आलू शोरबे वाला अच्छे से तैयार हो गए। अल्लाह ताला आपके खानों में भी जायका रखे और हमारे खानों में भी जायका रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।